मैं बालक तू माता शेरावाली है टूटिए माता। जय माता दी सबको, गुड मॉर्निंग। सुबह की चाय मेरी बन रही है फ्रेंड्स, तो आइए सुबह की चाय आप लोग भी मेरे साथ पीजिए। और सुबह की चाय से हम कर रहे हैं अपने ब्लॉग की आज शुरुआत। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फ्रेंड्स, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको फटाक से मिल सके। बढ़िया रहता है तो मेला को कहाँ लगेगा आज, लेकिन अब कुछ लगेगा ही नहीं। चाचा ये तो हम लोग भूल ही गए, लेकिन कहाँ पता लगा, कहीं मेला लगा अब की। अरे तो गंगा किनारे लगता है कि नहीं, वहाँ मेला लगेगा तो पब्लिक तो जमा होगी ही ना, चाहे गंगा किनारे लगे चाहे जमुना किनारे लगे। फिर शुरू हो गया वो, सुबह आज बहुत जोर से मार खाया है। क्यों आज सुबह बहुत जोर से मारे पापा? क्या करें यार, कहीं तो जा तो पा नहीं रहे हैं कोरोना की वजह से, और सोचे थे वीडियो भी अच्छी अच्छी बन जाएगी, सोचे थे अब कि मेरा लगेगा तो वीडियो बनाएंगे बढ़िया बढ़िया, लाइन मेला चला जाएगा, धन गोपाल हो गए। कैसे राक्षसानी हंसी थी। तो फ्रेंड्स, आपने फाइनली हमारी इनकी बातें थोड़ी बहुत सुनी होगी, मैंने कहा लाओ रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप लोग बोलते हो कि बात करते हुए भी रिकॉर्ड किया करिए, तो ऐसे ही हम लोग का हंसी मजाक चलता रहता है। और यहाँ पे मैं अपने चद्दर वॉश कर रही हूँ बेडशीट, क्योंकि पता नहीं क्या, मतलब कि कुछ गिर गया था इस पर, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ गिर गया था जिसके कारण मैं इसको वॉश कर रही हूँ। आई थिंक चाय वगैरह गिर गई थी, मैं पी रही थी और टीवी देखते देखते झटके से हाथ लगा इनका, तो गिर गया था चाय, तो इसलिए मैं वॉश कर रही हूँ। और वॉश कर रही हूँ तो फिर अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, पता नहीं कहाँ से धूल आ जाती है इतनी, समझ में नहीं आता है। तो चद्दर को पहले मैंने 2-3 पानी में बोर के निकाल दिया था ताकि एक्स्ट्रा जो डर्ट हो वो निकल जाए, इसके बाद सर्फ से मैं इसको अच्छे से वॉश कर दूँगी। और आप देख सकते हो रगड़ रगड़ के ब्रश से साफ़ कर रही हूँ, मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है फ्रेंड्स, तो मैं हर कपड़े हाथ से ही वॉश करती हूँ, थोड़ी सी मेहनत तो लगती है। और ये वाला चद्दर ना बहुत ज़्यादा भारी है फ्रेंड्स, कि बहुत भारी चद्दर है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब इसको धोने में तो चलो धुल जाता है, बट जब पानी में बोर के निकालो ना तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, बट फिर भी मैं कर लेती हूँ। वैसे ब्रश से साफ़ तो हो जाते हैं कपड़े ईज़िली, मतलब सारे डर्ट वगैरह जो होते हैं वो निकल जाते हैं, बट थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, इसीलिए मैं चद्दर वगैरह जब वॉश करती हूँ ना तो कोई भी और कपड़ा नहीं रखती हूँ धोने का। बट कल जो मैंने साड़ी वेयर की थी वो भी मुझे धोनी है, तो वो तो ज़्यादा गंदी नहीं है, वो तो धो जाएगी फटाक से, तो इसको चलिए धो। चैनल कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया बहुत मज़े में होंगे। और आज दिन, अरे यार मैं, आप लोग ने बोला था फ़ोन में देख लेना दिन, बट मैं भूल जाती हूँ देखना, आज दिन ट्यूसडे है, बट मुझे याद तो आ ही जाता है, तो देखना क्या। तो आज दिन ट्यूसडे है और बस बना रही हूँ नाश्ता, पकौड़ियाँ बना रही हूँ, तो जिसको इसको भी खाना है आ जाओ। और ये नहा रहा है तो पानी की आवाज़ आ रही होगी आपको, ऐसे ही नहाते हैं ज़ोर ज़ोर से, और
पूजा वूजा सब मेरी हो चुकी है। और आज सुबह का मैंने वेदर आपको दिखाया ना, सुबह एकदम कोहरा कोहरा, मतलब हल्की सी धुंध सा छाया हुआ था और मौसम ठंडा होना शुरू हो गया। सुबह इतनी ठंड लग रही थी, कूलर वूलर पंखा वंखा सब बंद कर दिया था हम लोगों ने। तो चलो पकौड़ियाँ बना लेती हूँ, वरना अभी वो बात करूँगी ना तो ये नहा रहे तो पानी की आवाज़ आएगी। तो साउंड के साथ इन्जॉय करिए, मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आलूओं की पकौड़ियाँ बना रही हूँ। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि प्याज लहसुन नवरात्रों में नहीं खाया जाता है और वो लोग भी नहीं खाते हैं। तो अब मैंने भी ये डिसाइड किया है कि मैं भी नवरात्रों में 9 दिन प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करूँगी बिल्कुल भी, बिना इनके ही मैं खाने को बनाऊँगी अपने। और शायद मेरे ख्याल से ये सही भी होगा, मेरे ख्याल से मुझे ये चीज़ सही लगी, तो इसलिए मैं आज से ये अपना रही हूँ। हर साल ऐसा ही करूँगी और ऐसी ही छोटी मोटी चीज़ें आप मुझे सिखाते रहा करिए। आप लोग मेरे अपने हो, नहीं सिखाओगे तो कौन सिखाएगा। चलिए गर्मा गर्म पकौड़ियाँ छान लेती हूँ, खा लेती हूँ, फिर इसके बाद मिलती हूँ, फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखो बहू रानी निकल गई हैं घर से। तो फ्रेंड्स, मैं जब भी कमरे से निकलती हूँ ना तो सर पे पल्लू डाल के ही निकलती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कोई बड़े अगर आ गए सामने, तो इसलिए मैं पल्लू डाल के ही निकलती हूँ। और मैं आई हूँ बस छत पे अपने कपड़ों को फैलाने, जो कि मैंने वॉश किया था चद्दर वगैरह, क्योंकि चद्दर वहाँ पे मैं अंदर नहीं फैला सकती थी, वहाँ सूखता भी नहीं और वहाँ डारा मतलब गिर जाता, बहुत कमज़ोर, बहुत ज़्यादा मतलब भारी चद्दर नहीं उठा सकता था। तो इसलिए मैं यहाँ ले आई, और यहाँ इसलिए भी ले आई कि सूख जाएगा जल्दी, वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पता नहीं सूखेगा भी कि नहीं सूखेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ ले आई। और यहाँ अपने चद्दर भी फैला दूँगी, साड़ी भी फैला दूँगी साथ में। और जब मैं यहाँ पे वापस लेने आऊँगी ना कपड़ा, तब मैं आपको यहाँ का वेदर दिखाऊँगी, व्यू दिखाऊँगी, मतलब कि कैसा यहाँ पे छत से दिखता है। एक्चुअली क्या है ना कि हमारे पीछे घर के स्टेशन है, तो ट्रेन वगैरह जाती रहती है, तो पूरा एकदम जंगल जैसा एरिया है। और जब मैं नीचे रहती थी ना फ्रेंड्स, तो कई बार वहाँ पर सांप वगैरह भी निकल चुका है, तो बड़ा डर लगता था मुझे नीचे रहने के लिए। अगर आपने मेरा नीचे वाला घर नहीं देखा है ना, तो आप मेरे चैनल पे चेक करो, आपको दिख जाएगा, मैंने अपना ओल्ड हाउस का दिखाया है टूर, तो आप देख सकते हो किस तरह से, किस परिस्थिति में पहले नीचे मैं रहती थी, कितनी मुश्किलों से वहाँ से निकली हूँ। तो चलो, कपड़े तो मेरे फैल चुके हैं, चलते हैं अब नीचे। तो फ्रेंड्स, फाइनली आके मैं अब खाना खाने बैठ गई हूँ, क्योंकि भूख लग रही थी, सारे काम मैंने निपटा दिए हैं, तो अब खाना खाने बैठी हूँ। मैंने बनाई है आज कढ़ी और चावल बनाई है, और कढ़ी इसलिए बनाई है क्योंकि इसमें मैंने प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं डाला है, और आराम से बन भी गया है, और साथ में खट्टा भी है, तो खाने में भी मज़ा आता है, खाने में भी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने कढ़ी चावल बनाई है। तो यही है मेरा आज का लंच, चलिए लंच कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स, ये देखो, ये है पूरा मेरा छत का व्यू, जो कि कितना प्यारा और कितना अच्छा लगता है। जब मॉर्निंग के टाइम आओ तो एकदम फ्रेशनेस सी फील होती है, एकदम फ्रेश फ्रेश एयर आती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। जब मैं मॉर्निंग में आऊँगी ना फ्रेंड्स छत पे, तब मैं आपको दिखाऊँगी, तब आप देखना कितना फ्रेशनेस का फील होता है। आप लोग बताओ आप लोग को कैसा लगा। तो चलो, कपड़े उतार के लेके चलते हैं। और फ्रेंड्स, रात के डिनर में मैंने बनाई है आलू बैंगन की सब्ज़ी, इसको भी मैंने खाली मिर्चे से ही तड़का दिया है, कुछ भी इसमें मैंने ऐड नहीं किया है प्याज लहसुन वगैरह। अब इसमें लास्ट में बस सोया और टमाटर डाल दूँगी, इससे टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा और खाने में भी मज़ा आ जाएगा एकदम। और थोड़े से मसाले भी मैंने इसमें फ्रेंड्स डाले हुए हैं, ताकि उससे टेस्ट अच्छा आ जाए, क्योंकि बिना प्याज लहसुन के तो कोई चीज़ अच्छी बनती नहीं है, बट हम ट्राई करें तो अच्छी भी बन जाती है। तो इसको ढक के मैं पका लेती हूँ, और ये देखिए हमारा डिनर निकल चुका है, तो खाना खा के फिर आपसे करती हूँ कुछ बातें। करने का टाइम आ गया है, तो मैं एंड करने आई हूँ और बैठी हूँ अपने मंदिर में, और शाम का टाइम हो चुका है, इस समय बज रहे होंगे 5:30-6 के करीब हो रहा होगा, और अब मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ।
और एक चीज़ आपको बताती हूँ कि कल मेरी सिस्टर जो अंजलि जिनका बेबी होने वाला है उनका कॉल आया था, तो उनसे मेरी बातें हो रही थी, तो वो बता रही थी कि जो मतलब डॉक्टर ने उनको डेट दे दी है कि नवंबर के 3rd वीक में जो है उन्होंने डेट दी है बेबी होने की, और जल्दी से जो है नन्हे मेहमान जी हमारे आ जाएंगे, तो देखिए क्या होता है क्या नहीं, लड़का होता है कि लड़की, बस बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और सब कुछ अच्छे से हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए यही दुआ आप लोग करिएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, सब कुछ बढ़िया से और अच्छे से हो जाए। और बताती हैं कि बहुत ज़्यादा जो है परेशान करते हैं, अभी पेट में है तभी परेशान बहुत ज़्यादा करते हैं, पैर वैर मारना, हाथ वाथ मारना, खेलते कूदते रहते हैं, तो आने के बाद क्या करेंगे पता नहीं, भगवान जाने। तो बताती है ना, सुन के बड़ा अच्छा लगता है मुझे, फीलिंग आती है बहुत अच्छी, और कितना अच्छा लगता है ना कि अब मुझे कोई मौसी कह के बुलाएगा, और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है ये सब सोच के। और मेरे ख्याल से उनके मतलब जो घर वाले हैं, मतलब कि जो होता है ना कि पहले शुरू में बस आप लोग सब प्रे करिएगा कि बढ़िया से सब कुछ हो जाए। और अभी करती हूँ ब्लॉग का एंड, बस ये थोड़ा सा आपको बताना था, क्योंकि हर चीज़ की आपको अपडेट देती हूँ तो इस बारे में बता देती हूँ कि मतलब दिवाली वाली जब हो जाएगी ना तब फुर्सत से आराम से, लेकिन कुछ भी कह नहीं सकते हैं क्योंकि 9 मंथ तो लग ही चुका है, तो कुछ भी कह नहीं सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट डॉक्टर ने तो ऐसे ही बोला है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी हो रही है, एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि मतलब कि कहा जा रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, डॉक्टर ऐसा कह रही हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं, तो आप लोग मनाइए कि सब कुछ अच्छे से बढ़िया से हो जाए, बस इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप लोग मनाइए, दुआ करिए, और खुशी तो है ही बट अच्छे से निपट जाए तब और ज़्यादा खुशी होगी, बस यही है, तो आप लोग दुआ करिएगा। और क्योंकि मेरे सिस्टर की हाइट ना थोड़ी सी कम है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, उतना ज़्यादा मैं खुल के यहाँ सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकती हूँ, बट जो लेडीज़ होंगी वो समझ सकती हैं कि हाइट कम होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, तो हो रही है उस तरह से प्रॉब्लम। तो बस आप लोग दुआ करिएगा सब लोग, भगवान जी से, माता रानी से, ये सब कुछ अच्छे से क्लियर एकदम बढ़िया से हो जाए, फिर इसके बाद जल्दी से फटाफट मैं आपको लड्डू ही लाऊं गुड न्यूज़ की, ठीक है। तो चलो अभी करती हूँ ब्लॉग का एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, और दुआ ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों, बाय।